हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार विशेष, और बिहार विशेष के यहां पर ऑल डायमेंशंस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार को थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण को देखें और भौगोलिक दृष्टिकोण को देखें, दोनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप उतना अच्छे से बिहार को नहीं समझ पाते हैं भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से, इसलिए मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ आप लोगों को राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से बिहार को समझाने के लिए, क्योंकि बिहार पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं। और ये कक्षाएं किसके लिए मैं चला रहा हूं आप लोगों के लिए, तो सातवीं चरण की जो शिक्षक बहाली है उसके लिए जो है कि ये कक्षाएं चल रही हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित हो पाए। तो आइए हम लोग बिहार विशेष के अंतर्गत पहले बिहार को समझने का प्रयास करते हैं, और इसको मैं एक फ्रेम में दे दूंगा आपको, और उस फ्रेम को अगर आप समझ जाते हैं तो आप जो है कि बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन की टेंडेंसी को आप अच्छे से समझ लेंगे और उसके आंसर्स को अच्छे से लगा लेंगे। देखिए, मैं भी बिहार की पृष्ठभूमि से आता हूं, और मैं आप लोगों को बता दूं बीपीएससी मैं 66 मेंस दिया हुआ था, लेकिन मेरा उसमें अच्छे मार्क नहीं आ पाए, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। मैंने 67वीं मेंस दिया हुआ है, तो मैं जो है कि बीपीएससी के ट्रेंड को समझता हूं और उसी हिसाब से मैं यहां पर चलने वाला हूं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार राज्य जो है हमारा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर बिहार राज्य। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार राज्य को समझने के लिए आपके पास दो डायमेंशन होना चाहिए। पहला जो डायमेंशन है आपका प्राचीन डायमेंशन है, यानी कि प्राचीन आयाम, ठीक है। दूसरा डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक यहां पर आयाम आपका पास है, आधुनिक आयाम यानी कि मॉडर्न डायमेंशन। अब देखिए, प्राचीन डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो आप लोग सबसे पहले एक समझिए बात। देखिए, ये भारत का नक्शा है, और इस भारत में मैं बात करूं तो ये वाला क्षेत्र आपका मगध का क्षेत्र था। ये कौन सा क्षेत्र है भाई? मगध का। और आप लोग जानते हैं कि जब महाजनपद काल 600 BC में चल रहा था, उस दौरान सबसे शक्तिशाली अगर कोई जनपद था तो वो मगध जनपद था। और मगध जनपद की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कई संघ आते थे, तो आप लोग इसको समझ लेंगे, लेकिन मैं इसको बिहार के रिस्पेक्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, इस बिहार की अगर मैं बात करूँ तो ये मगध वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा समृद्ध था। क्या था भाई? समृद्ध था। और जब ये समृद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि उनका आगमन होगा। अब जब यहाँ पर लोगों का आगमन होगा तो इस क्षेत्र का जो है कि पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा। जब इस क्षेत्र का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा तो बिहार की भूमि जो है सांस्कृतिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि और भौगोलिक दृष्टि से आपके लिए ये वाला क्षेत्र जो है कि महत्वपूर्ण हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब इतनी चीज क्लियर है तो इसी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं कि इसी क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि एक बिहार शरीफ आता है, बिहार शरीफ। और इस बिहार शरीफ की अगर मैं बात करूं तो इस बिहार शरीफ में बौद्ध धर्म और प्लस आपका जैन धर्म, इन दोनों के मठों की अधिकता थी। क्या थी भाई? मठों की अधिकता। और मठों की अधिकता के वजह से जो है कि प्राचीन डायमेंशंस में अगर देखेंगे आप तो इसको बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? और बिहार कहा जाता है। और बिहार का मतलब होता है रहने का स्थान। अगर बिहार को रहने का स्थान कहा जाता है, इसका मतलब यह है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जितने भी तीर्थ स्थल हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, और उन तीर्थ स्थलों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में चैत्यालय कहा गया है, और उसी चैत्यालय को जो है कि बिहार कहा जाता था, जहां पर लोग जो है कि आकर रहते थे, उपासना करते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे, और यहाँ पर जो है कि अपना जो भी क्रिया थी वो सारे क्रिया करते थे, रहते भी थे। इसका मतलब ये है कि जो विहार है ये रहने वाला स्थान हो गया, और बौद्ध तीर्थस्थल और जैन तीर्थस्थलों की अधिकता के कारण इसका नाम जो है कि आपका विहार पड़ गया, क्योंकि पूरे विश्व से जो है कि यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ पर रहते थे और पूजा अर्चना करते थे। इसका मतलब यह है कि ये जो बिहार क्षेत्र है, इस बिहार क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर मैंने बिहार शरीफ लिखा है, इस वाले क्षेत्र में जो है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है कि आपका क्या था? अधिकता था, यानी कि
अधिकता था, जिसके वजह से आक्रमणकारी यहां पर नजर गड़ाए रहते थे। और नजर गड़ाने का मतलब यह है कि यहां पर अपने प्रचार और प्रसार करने के लिए पहुंच जाया करते थे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको कहीं प्रचार करना है, तो आप प्रचार करने के लिए सबसे पहले कहां जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप बताइए, आप वैसे जगह का चुनाव करेंगे ना जहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा मिल जाए, आपको लोग सुन सके। अरे मान लेते हैं 10 लोग नहीं सुनेंगे, 4 लोग तो सुनेंगे आपको। जब 4 लोग सुनेंगे तो 4 लोग की बात, 4 लोगों को अगर आपकी बात पसंद आती है तो वो उस बात को स्प्रेड करेंगे। जब स्प्रेड करेंगे तो लोगों के बीच में फैलेगा, धीरे धीरे जो है कि उसका फैलाव ज्यादा संख्या के बीच में हो जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, आप वहां पर वर्चस्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हुआ। आगे चलकर अगर मैं बात करूं कि इसी जो बिहार शरीफ वाला क्षेत्र है, इस बिहार शरीफ वाले क्षेत्र में 1198 की अगर मैं बात करूं तो 1198 में बख्तियार खिलजी आता है। और इस बख्तियार खिलजी की अगर मैं बात करूं 1200 एडी की, तो बख्तियार खिलजी इस वाले क्षेत्र में आता है और पूरे बिहार को जो है कि रौंद देता है, जिसमें अगर मैं बात करूं कि जितने भी बौद्ध तीर्थस्थल है, जैन तीर्थस्थल है, उनको पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। तहस नहस करने के बाद से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपना प्रशासनिक जो है कि अधिकार वहां पर कर लेते हैं। और जब प्रशासनिक अधिकार कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये बोलते हैं अर्ज्य बिहार। क्या बोले भाई? अर्ज्य बिहार। और अर्ज्य बिहार का मतलब होता है बिहार की भूमि, बिहार की भूमि। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बिहार की भूमि अगर कहे जाने लगा तो ये अपने प्रशासनिक कार्यों में इस बिहार के जगह पे बिहार शब्द का इस्तेमाल ये लोग करने लगे। क्या करने लगे? बिहार शब्द का इस्तेमाल करने लगे। आगे चल के यही जो अर्ज्य बिहार है आपका, सूबा ए बिहार के रूप में उभर कर सामने आया। आगे चलकर जब हम लोग स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता से पहले यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब हम लोग उपनिवेश थे, उस दौरान जो है कि इसको प्रांतों में बांट दिया गया था। यानी कि सूबा का मतलब होता है प्रांत, तो चीजें आप लोग समझ गए होंगे। यही आगे चलकर जो है कि आपका क्या बन जाता है, सूबा ए बिहार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जब सूबा ये बिहार बन जाता है तो धीरे धीरे अगर मैं बात करूं, एक सबसे पहले हमारे पास ऑर्थर आते हैं जिसका नाम है मिन्हाज उस सिराज। अब मैं मिन्हाज उस सिराज की एक पुस्तक आती है तबकाते नासरी, और उसी तबकाते नासरी की अगर मैं बात करूं तो डेट आपका आता है 1203 से लेकर 1204, और इसी दौरान ये पुस्तक लिखी गई तबकाते नासरी। और तबकाते नासरी में सबसे पहला अगर कहीं जिक्र मिलता है इस बिहार का, तो इसी पुस्तक में मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ बिहार का प्रथम जिक्र जो है, बिहार का तबकाते नासरी में जो है कि सबसे पहला वर्णन मिलता है। इसके बाद से अगर मैं बात करूं कि 1309 का डेट आता है, और विद्यापति को आप लोग जानते हैं, विद्यापति, और विद्यापति की अगर मैं बात करूं, इनकी एक रचना आती है कृतिमाला। ठीक है, इसी कृतिमाला की अगर मैं बात करूं, इसी में इन्होंने सबसे पहले जो है बिहार शब्द का उल्लेख किया। यानी कि विद्यापति के 1319 में एक पुस्तक आती है कृतिमाला, और इसी माला की अगर मैं बात करूं तो इसी में जो है कि सबसे पहला जो है कि जिक्र इन्होंने किया था। इसके बाद से इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको सूबा या बिहार कहा जाने लगा। आगे चलकर इसको जो है कि प्रांत में बांट दिया गया, यानी कि सूबा का मतलब होता है प्रांत, और इसके लिए जो है कि एक गवर्नर की नियुक्ति होती थी जो इस वाले क्षेत्र में रहता था और जो है कि टैक्स कलेक्शन का कार्य करता था। उसके बाद से और वही टैक्स जो है कि सीधे आपको किसके पास जाता था, तो रूलर के पास जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला प्रोस्पेक्टिव आप लोग समझ गए होंगे बिहार का। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर आधुनिक प्रोस्पेक्टिव की, अगर मैं बात करूं तो आधुनिक प्रोस्पेक्टिव में हम लोग चलते हैं, और आप लोग जानते हैं कि इसका नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार। वर्तमान में इसका नाम बिहार है। अब देखिए, इस बिहार की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि जब ये बिहार पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता था, यानी कि बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, तो बंगाल प्रांत में तीन
क्षेत्र थे, विशेष रूप से एक तो आपका पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल, ठीक है, प्लस उड़ीसा, और प्लस अगर मैं बात करूं तो बिहार। इन तीनों को मिलाकर जो है कि एक साथ बोल दिया जाता था कि ये बंगाल प्रांत है। और इस बंगाल प्रांत की बात करूं मैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक वर्चस्व इसी वाले क्षेत्र में था। अगर देखिए वर्चस्व अगर यहाँ वाले क्षेत्र में था तो ये लोग जो है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है कि विद्रोह होने का कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि करने देंगे। तो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन पर दबाव बनाने के लिए किसी भी प्रकार की जो है कि यहाँ पर घटनाएं नहीं होने देती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, जिसके बाद से जो है कि आप लोग जानते हैं कि 1905 की अगर मैं बात करूं तो 1905 में एक आंदोलन होता है जिसका नाम है आपका बंग भंग आंदोलन। और इस बंग भंग आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक आधार पर चीजें चल रही थी और लोग जो है कि आपस में लड़ रहे थे, मतभेद थे। अगर पश्चिम बंगाल के लोगों को मैं देखूं, बिहार के लोगों से इनका जो है कि कंट्राडिक्शन चल रहा था। इसी कंट्राडिक्शन का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 1905 में जो है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कर देती है। और बंगाल विभाजन की अगर मैं बात करूं तो फाइनली आप लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1911 में जो है कि हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब बंग भंग आंदोलन के बाद से जैसे ही बंगाल विभाजन का घोषणा होता है वैसे ही यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चालू हो जाता है। और स्वदेशी मूवमेंट को आप लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा है, लेकिन इसका फाइनल कोई डिसीजन नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन जो है कि भारतीय इतिहास में क्रांतिकारियों का जो रोल रहा है, महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो उसको हम लोग जो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि 1905 में बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन जैसे हुआ आपका स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट को नज़र में रखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई अनाउंस कर दिया 1906 में कि भाई हम बंगाल विभाजन करेंगे, ठीक है। बंगाल विभाजन की अगर मैं बात करूं, इसके लिए क्या किया गया कि बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों की संयुक्त जो राजधानी उस टाइम थी ये थी आपका कोलकाता, ठीक है। तो हम बात करें कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को जो एक प्रांत के रूप में था इसको कब अलग किया गया, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 12 दिसंबर 1911 की अगर मैं बात करूं तो इस दिन एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका नाम है आपका देलही दरबार। और इसी देलही दरबार में जो है कि जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए दरबार लगाए गए। टोटल इतिहास में 3 दरबार लगाए गए हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो इसी देलही दरबार की अगर मैं बात करूं तो घोषणा कर दी गई 12 दिसंबर 1911 को कि बिहार को फाइनली पश्चिम बंगाल से जो है कि पृथक किया जाएगा। तो देखिए अब पृथक ये जब किया गया तो ये बिहार पूर्ण रूप से कब बना, तो देखिए 22 मार्च की अगर मैं बात करूं 1912, और 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार प्लस उड़ीसा, यानी कि बिहार प्लस उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, इन दोनों को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया, पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1 अप्रैल 1936 की अगर मैं बात करूं तो इस दिन जो है बिहार की अगर मैं बात करूं तो इस बिहार को काट के उड़ीसा राज्य का गठन किया गया, यानी कि आपका उड़ीसा का यहां पर गठन कर दिया गया, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ। और ये तीनों जो है कि आपके प्रांत जो है कि अलग अलग स्टेट के रूप में उभर कर सामने आए। तीनों का डेट आपको याद रखना चाहिए। अब मैं बात करूं कि वर्तमान सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो बिहार का विभाजन 2000 में हुआ, और बिहार का विभाजन 2000 की अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर 2000 को जो है कि झारखंड को भी, यानी कि दक्षिणी बिहार को काटकर जो है कि आपका झारखंड राज्य बनाया गया। उसके बाद से बिहार फाइनली जो है आपका क्या है वो आप लोग देख लीजिए, उसको एक बार समझ लीजिए। देखिए ये अगर मैं बात करूं तो ये आपका बिहार का पूर्णतः ये हिस्सा है और ये बिहार है आपका। अगर इसकी मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि इस वाले क्षेत्र में नेपाल है, यानी कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो वेस्ट, पूर्व में वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और नीचे अगर मैं बात करूं तो जेएच है, झारखंड है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, वेस्ट बंगाल, नेपाल और उत्तर प्रदेश और झारखंड, इसके ये प्रोस्पेक्टिव है। और इसकी जो संरचना है वो आपका रेक्टेंगल शेप है, यानी आयताकार शेप में है।
इसी को जो है कि हम लोग आगे चलकर अभी पढ़ेंगे, इसके भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के कौन से हिस्से में ये अवस्थित है, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि भारत ऑलरेडी उत्तर पूर्व में अवस्थित है, तो बिहार भी आपका ऑलरेडी जो है कि उत्तर पूर्व में ही अवस्थित है। इसके जो है कि सारे आयाम को हम लोग समझने का अगली क्लास में प्रयास करेंगे, क्योंकि हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको ये चीज़ें अगर पसंद आई हो तो आप लोग जो है कि लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को, कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं अगर कुछ आपको डाउट है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।